2021 तो उसके बाद फिर बुक आते गया, अभी तक टोटल 10 बुक हो गया। तो जब आप क्लास 5 से लिखना स्टार्ट किए तो कोई टीचर आपको मतलब वैसे नहीं, देखो वैसा कोई ये नहीं था कि मोटिवेशन कैसे मिला हो, शुरू से ही था कि इंटरेस्ट था तो ऐसे लिखते थे, पर कोई एम नहीं था कि बुक पब्लिश करना है या राइटर बनना है, वो एक हॉबी होता है ना, तो उसी को कंटिन्यू करते थे और ऐसे लिखते थे फ्री टाइम में, तो वहीं से वो चलते गया, फिर बाद में उसको लिखना शुरू किया। एक बुक नहीं, मतलब हम लिखते जाते थे तो स्टॉक हो गया था मेरे पास, जैसे लिखते जा रहे तो डायरी भरते जा रहा है, तो फिर इसलिए हमको आसानी हुआ जब बुक पब्लिश करना स्टार्ट किया ना, तो एक के बाद लगातार बुक पब्लिश करते ही गए, तो जैसे स्टॉक हो गया था तो तुम आधा आधा करके उस स्टॉक को फिर तुम बहुत सारा बुक पब्लिश कर सकते हो, तो वही चीज़ हम की, तो वैसे हुआ। तो पब्लिशमेंट देखो आसान नहीं है, पब्लिशमेंट इंडिया में बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत पैसा लेता है पब्लिशिंग वाला, तो हम साइट सब में मतलब फॉर्म भरते थे, ठीक है 500 एक फॉर्म आता था, तो हम फॉर्म अप्लाई करते थे और फिर पब्लिशिंग वाला तुमको कॉन्टैक्ट करता था, अगर वो लोग तेरा काम पसंद आता था तो फिर लोग कॉन्टैक्ट करता और फिर उसके बाद वो लोग काम देता, और कॉन्टैक्ट करता तो वो रिजेक्ट भी करता था, हमको 3 साल रिजेक्ट ही हुआ, कोई एक्सेप्ट करता नहीं था, फिर 3 साल के बाद लास्ट में जाके तमिलनाडु से एक नोशन प्रेस करते वो सर्च करना, तो वो लोग फिर अप्रूव किया, तो फिर अब वो लोग के लिए काम करना स्टार्ट, फिर वहाँ से शुरू हुआ था। आपके पेरेंट्स मतलब कैसा, मतलब फर्स्ट आपका बुक पब्लिश हुआ था, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? तो उसमें ना बहुत ज़्यादा ये है ट्विस्ट है कि हम ना किसी को बताया नहीं था, ठीक है कि हम कर क्या रहे हैं, मेरा फ्रेंड्स लोग फैमिली वाला किसी को नहीं पता था, एक दो जन को छोड़ के किसी को नहीं पता था कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि मतलब होता है ना एक जैसे तुम कुछ कर रहे हो और अगर वो चीज़ नहीं हो पाएगा तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी मिल जाता है कि सब फिर बोलने लगेगा तुम कर रहा है फालतू है, और पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स होते ही ज़्यादा सीरियस, तो इसलिए हम नहीं बताए थे, हम करते थे पर वो लोगों को पता नहीं था, जब पहला बुक मेरा आने वाला था जब हो गया कि हाँ अब आ जाएगा तो उसके एक दिन पहले हम बताए थे, पर वो लोग यकीन नहीं किए थे, वो लोग को लगा कि मजाक कर रहा है, फिर अगला दिन आया तो फिर सबको पता चला कि हाँ हो गया। ऑब्वियसली बहुत खुश हुए कि अब वो आ गया है, तो उनको भी लगा कि इसको इसमें इंटरेस्ट है, और उसके बाद जब उसमें और अच्छा अच्छा नाम होने लगा, पेपर सब आने लगा, न्यूज़ सब आने लगा, वो लोग का भी खुशी होता है, और ज़्यादा खुशी होता है। तो एकदम बिंदास हो गए थे, कोई टेंशन अरे हाँ होता रहता है, कोई दिक्कत आप इतनी मतलब अगर कोई अगर हम आप मतलब मेरे जैसा एज का अगर बच्चा अगर ऑथर बनना चाहता है या राइटर बनना चाहता है तो मतलब उसके या मतलब उस क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसा ऑब्जर्व जैसा आपका लाइफ में एक्सपीरियंस होगा ना, तो उसके मतलब कैसे बन सकता है वो? देखो अगर तुमको कुछ भी करना लाइफ में, ठीक है तो तुमको पहले तो तुमको डेडिकेशन रखना ही है, तुम गिव अप, देखो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आजकल सब कुछ गिव अप बहुत जल्दी कर देता है, 2-3 बार ट्राई किया नहीं हुआ गिव अप कर दिया, वो चीज़ नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट वो तो मेरे से अभी तक नहीं होता है, पर कोशिश करो कि मतलब हो जाए, परफेक्शन तो हो पाएगा नहीं कभी, परफेक्ट हो गया तो बहुत अच्छा बात है, पर कोशिश करो कि क्लोज टू परफेक्ट, और फिर वही फेलियर को अपना मोटिवेशन बनाओ, सीखो जो गलती कर रहा उससे, और अगर तुमको राइटर बनना है तो जैसे जो आसपास में देखता है ना उस चीज़ को पेन डाउन करने की कोशिश करो, जो आसपास ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ को, अपना इमोशंस को ये नहीं मतलब कनेक्ट करो राइटर्स, मतलब जो पढ़ रहे तेरा बुक वो लोग को पढ़ के लगना चाहिए कि हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये चीज़ हुआ है मेरे साथ वैसा लगना चाहिए, तो वो लोग तेरा बुक में इंटरेस्ट दिखाएगा, तुम पढ़ रहा है कोई बुक और तुमको कनेक्ट ही नहीं कर रहा तो कोई फ़ायदा नहीं, तो वो कनेक्शन होना चाहिए, तो तुमको समझना पड़ेगा कि सामने वालों को क्या पसंद है, वो लोग कैसा बुक पढ़ना चाहता है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, तो वो सब चीज़ देखना पड़ता है, वो सब देखेगा वो सब सोचेगा, और देखो अभी बेसिक्स अगर तुमको स्टार्ट करना है तुम अपने सराउंडिंग में देखो, कोई टॉपिक ढूंढो उसके ऊपर लिखो, पोएट्री से स्टार्ट करो, शॉर्ट शॉर्ट जो टॉपिक्स होता है वो सब के बारे में लिखो, राइमिंग ज़्यादा करो, तो वो सब आइडियाज़ ना एक्सप्लोर होते चला जाएगा, एक बार एक्सप्लोरिंग सीख जाएगा ना तो फिर बहुत ईजी बन जाएगा, फिर धीरे धीरे ना तुमको हैबिट हो जाएगा उस चीज़ का, तो फिर वो तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा। अगर आपको अगर ऐसा सिचुएशन दे दिया जाए कि आप तुरंत इस पर
पोइट्री लिखी है वगैरह या स्टोरी, तो आप मतलब कितने देर में है उस सिचुएशन के लिए? देखो अब उस पर डिपेंड करता है ना, जैसे मान लो कोई टॉपिक मिला ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि शुरू में दिक्कत होता था, अचानक से मिल गया, आइडियाज़ नहीं है, उसके बारे में जानना पड़ता है। पोइट्रीज का ये है कि तुम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है ठीक है, और अगर तुम किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, टॉपिक के बारे में, तुमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, सारा तुमको नॉलेज पहले पता करना पड़ेगा। जैसे मेरा एक बुक आया था पॉवर्टी, तो उसके लिए हमको 2-3 महीना आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ा, तब जाके हम उसको लिखें। अगर तुमको उसका नॉलेज ही नहीं रहेगा तुम क्या लिखोगे? तो वही चीज़ है, तुमको सबसे पहले उसका नॉलेज पूरा होना चाहिए, तुमको उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो इससे तेरा ये फ़ायदा है कि तुम उस चीज़ के बारे में जान भी रहे हो, फिर तुम उसको लिख भी रहे हो, तुम्हारा आइडियाज़ और ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है ठीक है, तो वो इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यही चीज़ है, तुमको पहले उसको सीखना पड़ेगा। पोइट्रीज में कि तुम अपना इमोशंस लिख रहे हो जो तुम्हारे साथ हुआ है या तुम आसपास में देख रहे हो, तो चीज़ कनेक्ट करना, वो पीपल उससे ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। पर तुम्हारा जो मेन टॉपिक है जो तुम उस पर लिख रहे हो, तो फिर तुमको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा, तब तुम उसको लिख सकते हो। आपका एक बुक है एक हसीन सफ़र, उसमें एक खुद पर्सनली मुझे एक कविता अच्छा लगा, वो लड़का है जनाब। अच्छा मुझे पर्सनली से अच्छा लगा। हाँ तो देखो तुम्हें पर्सनली से अच्छा लगा क्योंकि तुम उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत सारे लाइन जो होंगे वो तुमको लग रहा होगा कि हाँ ये है ठीक है, क्योंकि तुम भी एक लड़का ही है। तो देखो वही चीज़ होता है ना, पोइट्रीज में तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा सामने वाले के साथ। और अगर तुम मेरे और बुक्स पढ़ोगे जो कि नॉलेज बेस्ड है, मतलब टॉपिक्स बेस्ड है, तो उसके तुम्हें देखेगा कि बहुत सारे रिसर्च होंगे, बहुत सारे डेटाज होंगे, तो सब ढूंढना पड़ता है। अब गूगल सबके पास है, कहीं भी जाओ, कहीं भी कोई आर्टिकल पढ़ लो, तुम्हारे सारे डेटा तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे, तो वो चीज़ है। मुझे बड़ा होकर ऑथर ही बनना है या राइटर? नहीं, क्लास 2017-2018 तक मैं क्रिकेट खेलता था, अंडर 17 मैं खेल रहा था। उसके बाद लॉकडाउन आया और फिर टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए। तो टूर्नामेंट जब कैंसिल हो गए तब मैं फिर इस पर काम करने लगा। मैंने छोड़ दिया था बीच में राइटिंग वाला काम, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा। मैंने 2-3 साल ट्राई किया, नहीं हो पा रहा है तो मैं इस पर फोकस नहीं करता, मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर जब लॉकडाउन आया तो फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर कि ट्राई कर लेता हूँ, घर पे ही हूँ ना, तो वैसे भी सारा चीज़ बंद था, तो मैंने ट्राई स्टार्ट किया और फिर लास्ट में जाके हो गया। 1 साल लगा था मुझे उसके बाद। स्टार्ट क्रिकेट से हुआ था, क्रिकेट में मुझे करियर बनाना था, पर राइटिंग एक हॉबी जैसा था कि वो अच्छा लगता था, मुझे करना अच्छा लगता था। पर डेस्टिनी होती है ना, डेस्टिनी तुम्हें कहीं भी ले जाती है तो साथ चलता है, तो वो एक हुआ ऐसा कि एक रास्ता बंद हुआ तो एक रास्ता खुल गया, और फिर वो रास्ता मुझे बहुत आगे ले आया, तो अब इसी में कंटिन्यू करना है। और ऑथर ना बन के कभी कभी ऐसा लगता होता है ना कि ऑथर ना मुझे बन के कुछ और लाइन में जाना चाहती हूँ, डिफेंस में या देखो सबका होता है ठीक है। अगर तुम कुछ कर रहे हो उस चीज़ में अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तेरा दिमाग एक ना एक बार डाइवर्ट होगा कि अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या प्योर ऑप्शन ठीक है, तो वैसा हो सकता है। पर मेरे केस में ऐसा था कि हमको करना है तो करना है, इस पर लाना ही है, और फिर अगर नहीं आता है तो फिर मैंने उस पर कभी सोचा नहीं था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्या करूँगा। तो मुझे पहले से था कि अब मैं इसे कर रहा हूँ तो मैं इसे करूँगा ही, तो डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो गिव अप करना आसान है, वो गिव अप तुम कभी भी कर सकते हो, एक बार हुआ नहीं हुआ तुम गिव अप कर दिया वो आसान है, पर उसी चीज़ को डेडिकेशन से करने के बाद जब वो चीज़ हो जाती है तो तुम्हें अंदर से इतनी खुशी होगी मैं बता नहीं सकता। तो जब वो चीज़ जब तुम एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो चीज़ कितनी अच्छी होती है। जब आपको वहाँ मतलब सम्मानित किया जा रहा था तो आपके मतलब कैसा आपका मतलब जब आपको वो पता चला कि मुझे दिया जाएगा तो आपको उस टाइम का रिएक्शन आपका कैसा था? मतलब कौन सा अवार्ड के बारे में पूछ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में जो अवार्ड। अच्छा था तो मुझे नॉमिनेट किया गया था, तो नॉमिनेशन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात होती है। उससे पहले मुझे न्यूयॉर्क में नॉमिनेट किया गया, मैंने वहाँ सेकेंड रैंक मुझे मिला था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नॉमिनेशन फ्रॉम इंडिया इज़ अ बिग थिंग ठीक है, नॉमिनेट होकर मतलब तुम बहुत अच्छे राइटर हो। तो फिर मुझे वहाँ सेकेंड अवार्ड मिल गया, बहुत खुशी हुई, सारा पेपर्स न्यूज़ सब जगह में। अब उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया में नॉमिनेट किया गया, मैंने सोचा था कि मैं अच्छा इसमें भी कर लूँगा, और फिर जब मुझे पता चला कि टॉप 3 में मैं हूँ तो फिर लगा कि हाँ यहाँ से जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि जो एडिटर्स थे मेरे वो भी बोल रहे थे इस बार तुम्हारा बहुत अच्छा चांस है। तो हुआ ऐसा कि रिजल्ट के 1 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं टॉप 2 में हूँ, और वोटिंग चली रही थी और वोटिंग बहुत क्लोज थी,
तो स्प्रे कर रहा था कि इस बार फर्स्ट आ जाओ, पिछले बार सेकंड आया था, इस बार फर्स्ट आ जाओ। और फिर सुबह रिजल्ट आया था, याद है मैं मंदिर से पूजा वूजा करके आया था, और फिर रिजल्ट आया और पागलों की तरह दौड़ रहा हूँ कि मैं फर्स्ट आ गया। तो फिर वो फीलिंग ना, मतलब बता नहीं सकते, वो फीलिंग बयां ही नहीं हो सकती। तो इतनी अच्छी फीलिंग होती है जब आप पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में जो अवार्ड्स इतने बड़े बड़े लेकर और वहाँ तुम फर्स्ट आ जाओ, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद सारे लोगों का वो प्यार और सम्मान, तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। बचपन से आप किसी ऑथर से मतलब इंस्पायर होते हो, मतलब कोई पसंद जैसे है? एक पसंद नहीं, मतलब हम ना बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं, जैसे बहुत होता है ना कि वो बुक्स पढ़ते हैं सीखते हैं, पर ऐसा ना कि बिल्कुल नहीं पढ़ते, पर बहुत कम, लिमिटेड। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं किसी का बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे तुम्हारा ही कोई बुक है, मैं तुम्हारा बुक्स पढ़ रहा हूँ, और फिर मैं अगर तुम्हारा बुक्स पढ़ते ही रहूँगा रेगुलर, तो फिर मैं तुम्हारे आइडियाज़ को, मतलब तुम्हारे आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊँगा, मैं तुम्हारी तरह से सोचने लगूँगा। तो मैं वो नहीं चाहता, हर राइटर का एक अलग क्रिएटिविटी होता है। तो मेरा मानना है कि उसे मारना नहीं चाहिए क्रिएटिविटी। सीखना है तो तुम बुक्स पढ़ सकते हो, दो तीन बुक्स तुम्हें सीखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे लिखते हैं, पर ऐसा नहीं कि तुम रेगुलरली बुक्स पढ़ते हो या पढ़ते हो पढ़ते हो, वो मेरा मानना सही नहीं है। मेरा फर्स्ट बुक आया था उस समय मैं था 16 हाँ 16 था। और बचपन से जैसे कोई अपने दोस्त के साथ आपने कभी शेयर किया था कि मतलब मैं राइटर, मतलब मैं लिखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है? नहीं, मैंने किसी दोस्त को नहीं बताया था, हाँ एक दोस्त थे जिन्हें मैंने बताया था, कि एक ही थी वो मेरी दोस्त थी, मैंने उसे बताया था, तो उसने कहा था कि तुम अच्छा लिखते हो, तो एक जैसा मोटिवेशन मिलता था, ठीक है। और एक दो दोस्तों जिन्हें मैंने बताया था, बाकी किसी को मैंने नहीं बताया था, पर सबको पता चल गया था, मतलब मेरी बुक आने से पहले कुछ लोगों को। तो फिर कभी कभी वो मतलब बोलते भी थे कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब फालतू का, हाँ अपने फ्यूचर पर बात कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसे करो वैसे करो। तो वो सब भी सुनना पड़ा है, ऐसा नहीं कि सब आसानी से मिल गया, तो वो सब भी सुनना पड़ा है, ये लोगों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा है। पर वो सब ना उतना ध्यान नहीं देता, जब तुम्हारा माइंडसेट सही हो ना, तुम किसी चीज़ को कर रहे हो, तो सब उतना तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा तुमको उस चीज़ से। तो वो सब सीखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे, शुरू से ख़राब लगता था कि ऐसे क्यों बोल रहे, पर धीरे धीरे सब चीज़ मैनेज हो गई। हाँ, तो हम शुरू में पोइट्री से स्टार्ट किया था, ठीक है, फाइव क्लास में जब हम, तो हम सिर्फ पोइट्रीज लिखते थे, एक साल सिर्फ हम पोइट्रीज लिखे हैं, मेरे पास दो तीन डायरीज फुल हो गया था पोइट्रीज का। हम नई पर में भी तो 100 to 200 पोइट्रीज हम लिख दिए थे, ठीक है, तो वो स्टॉक हो गया था मेरे पास। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम शॉर्ट स्टोरीज यहाँ तक कि हम मूवीज़ का ये लिखे हैं, स्क्रिप्ट होता है जो कि अगर कभी हो पाया तो, वो पॉसिबल हो पाया तो ऐसे लगेगा। तो वो मैंने स्टार्ट पोइट्री से किया था, उसके बाद फिर स्टोरीज पे आया, फिर अब नॉवेल्स लिखे। मतलब बचपन में आपकी कोई टीचर आपकी पोइट्री देखी थी तो उनको कैसा फील हुआ था? मतलब मैंने एक बार मेरी इंग्लिश टीचर को मेरी पोइट्री दिखाई थी, और ऑनेस्टली बताऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरी तारीफ करेंगी, मैं सेवन्थ क्लास में था उस समय तो, पर उन्होंने कहा था कि अगर तुम इसे अपना बेस्ट पोइट्री मानते हो तो तुम लिखना छोड़ो, क्योंकि ये उतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरी बेस्ट है, पर उन्होंने कहा कि ये उतनी अच्छी नहीं है। मैं मुझे याद है मैं उस वक्त घर आया था, और मैं सोच रहा था कि यार ये तो मेरी सबसे बेस्ट थी, और उसे इसने कह दिया कि ये सबसे अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे उसे प्रूफ करना ही है कि गलत है, मैं और इससे भी अच्छी लिखूंगा, फिर लेके जाऊंगा। तो मैं दो तीन महीने के बाद मैंने फिर से कुछ पोइट्रीज लिखी, और मैं उनके पास गया, तब उन्होंने कहा कि हाँ ये अप टू द लेवल है। मतलब